अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल प्योर हार्ट विद मदीहा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन टिंग 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 फॉर माय फर्दर वीडियो। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी 5 मिनट ब्रेकफास्ट रेसिपी। बिलीव मी, ये इतने मजे का ब्रेकफास्ट बनता है। 5 मिनट की सिर्फ गेम होती है और उसके बाद इतना डिलीशियस आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। और इसको बनाना बहुत इजी मेथड है। अच्छा, मैंने एक प्याज ले लिया था हाफ, उसे कट करके, और मैंने फाइन चॉप कट कर लिया था। टमाटर एक लेके फाइन चॉप कट कर लिया, हरी मिर्चें एक लेके उसे फाइन चॉप कट कर लिया, और हरा धनिया ले लिया था 1 टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा इसमें ऐड कर लूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और चिली फ्लेक्स ऐड कर लूँगी थोड़ा सा, 2-3 चुटकी ही। और इसके बाद इसमें ऐड कर लूँगी 1 टेबल स्पून भर कर अदरक, जिंजर, इसको आप फाइन चॉप कट कर लें और आप अदरक इसमें ऐड कर लें। अदरक का टेस्ट इसमें बहुत ही मज़े का लगता है। इसमें डालूँगी 1 अंडा। अच्छा, मैं ना 1 अंडे का बना रही हूँ, लेकिन ये इस मिक्सचर से ना आप 2 या 3 अंडों का इजीली बना सकते हो, लेकिन आपको फिर ब्रेड की क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैंने इसको 1 अंडे में ही बनाया, इसको जल्दी से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, अच्छा सा इसे मिक्स कर लें। जिन लोगों को वेजिटेबल्स नहीं ना पसंद होती, आप इस तरीके से दें, आपके बच्चों को आदत हो जाएगी, आपको खुद को आदत हो जाएगी। ये इतना कोई मज़े का, इतना कोई कमाल का बनता है। ये देखें, अच्छा सा इसे मिक्स कर लिया। तवे पर, पैन पर, किसी पर भी आपने डाल लेना है 1 टीस्पून घी, और घी ऑयल डाल के, और इस तरीके से ब्रेड को मैं, आप देखें, कर रही हूँ रोल, ताकि हर तरफ घी अच्छा सा लग जाए। अच्छा, इसको ना आपने इस तरीके से कट कर लेना है। इसका सेंटर का पार्ट आपने वेस्ट नहीं करना, उसको आपने रखना है। कब यूज़ करना है मैं फिर आपको बताती हूँ। अंडा इसमें आपने वो मिक्सचर जो हमने रेडी किया था वो डाल देना है, चाहे 2 चम्मच आते हैं, 3 चम्मच आते हैं, आपने दोनों में इस तरीके से फिल कर लेना है अच्छा सा। इस खाली वाली स्पेस पर, इस खाली वाली जगह पर आपने अच्छा सा उस अंडे को फिल कर देना है। और इसके बाद, ये मेरे पास चिकन था तो 1 चिकन का पीस था सिर्फ, आपने वो लेना है और उसको आपने अच्छा सा वो बॉईल करके और उसको श्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास वैसा नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर आपने कोरमा बनाया, कढ़ाई बनाई है, कोई सा भी चिकन बनाया है ना, आप उसमें से 1 पीस निकालें, उसको हल्का सा वॉश करके उसको आप इस तरीके से श्रेड करके और इसमें डाल दें। अच्छा, आप यहाँ पे ना चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी जो आपको पसंद है, लेकिन मेरे पास ये मोज़रेला चीज़ बड़े बार में थी तो मैंने उसको इस तरीके से कट करके, और अब मैं हाथों से इस तरीके से तोड़ के डाल रही हूँ। अच्छी सी चीज़ की फिलिंग कर लेनी है कि ये चीज़ी सा थोड़ा बनेगा। और इसके बाद ये देखें, वही ब्रेड के पीस हैं जो मैंने आपको कहे थे कि आपने वेस्ट नहीं करने, उन ब्रेड के पीस को आपने यहाँ पे रख देना है। अभी आपको लग रहा है गैप के ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, लेकिन जैसे ही ये स्लो हीट पर 2 मिनट तकरीबन होंगे, 2 से 3 मिनट के अंदर ये हो जाता है, बिल्कुल स्लो हीट करनी है। और ये जब इस तरीके से हो गया, आपने इसे टर्न करना है और किसी भी स्पैचुला, किसी भी चम्मच की मदद से आपने हल्के हाथों से यूँ प्रेस करना है, जिस तरीके से मैं प्रेस कर रही हूँ। ये देखें, आराम से ये टर्न हो जाता है। इसको टर्न करने के बाद आपने इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देना, क्योंकि चीज़ मेल्ट हो रही होगी, ऊपर वाला जो अंडा है वो हल्का सा भी उसमें कसर होगी, तो जब आप इसे प्रेस करेंगे तो वो ब्रेड बिल्कुल उसके जाके इक्वल हो जाएगी, और ये ब्रेड बिल्कुल यूँ लगेगी कि जैसे उसके अंदर ही हमने फिलिंग की हुई है सारी। और स्लो हीट पर इसे आपने पकाना है। आपने हीट को मीडियम या हाई नहीं करना, क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी पक जाती है, तो इसीलिए इसके अंदर की चीज़ मेल्ट करनी हमारे लिए लाजमी है, और जो अंडा है उसको पकाने के लिए लाजमी है। इसके बाद 2 से 3 मिनट का कवर करके रखूँगी ताकि चीज़ जो है वो और अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये अच्छा सा अंदर से भी सारा पक जाए अंडा वगैरह। और 2 से 3 मिनट जिस तरीके से हुए, और उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी, और हेयर इज़ द फाइनल लुक। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये इतना चीज़ी और इतना मज़े का, अभी आप देखें, अभी मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना मज़े का लग रहा है। ये देखें, सीरियसली ये इतना कोई कमाल का और इतना मज़े का बनता है। आप इससे लंच में खा सकते हो, ब्रंच में खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, आपका जो भी, आप इवन दो कि अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप उसे लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हो, तो आपका बेबी बहुत ही मज़े से, बहुत ही इंजॉय करके इस लंच बॉक्स को एंड करेगा। और आपने लाजमी ट्राई करना है, आपने मुझे लाजमी फीडबैक देना है। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको कर दें सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी हो इसका कर दें लाइक, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे, अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला बुरे लोगों, बुरे वक्त और बुरी घड़ी से हम सब को हमेशा बचा के रखे। और आपने इसे ट्राई करके मुझे लाजमी बताना है, मुझे फीडबैक लाजमी देना है, कमेंट सेशन में लाजमी बताया करें। इसके अलावा मुझे आप इंस्टा पर DM कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें।
मेरी एफर्ट्स को लाजमी लाइक किया करें। ये देखें, ये इतना कोई मज़े का बना हुआ है। सीरियसली मैं बार बार इतनी तारीफ़ इसीलिए कर रही हूँ कि सीरियसली बहुत ही मज़े का बना था, आपने लाजमी ट्राई करना है। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रॉम माय साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।